किसान की सही मायने में जीत तब होगी जब एमएसपी पे लिखित कानून बन जाएगा और किसान खुशहाल हो जाएगा। हाँ, ये है कि जो संघर्ष हमारा एक साल से चल रहा था, 380 दिन से जो संघर्ष चल रहा था, सरकार का गुरूर तोड़ने का जो संघर्ष चल रहा था, मोदी जी को बैकफुट पे लाने का जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में हमारी विजय हुई है और लोकतंत्र की बहाली हुई है, संविधान की बहाली हुई है। इस देश के संविधान को किसान ने बचाया है, देश के लोकतंत्र को किसान ने बचाया है। और जो आंदोलनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, सत्ताधारी लोग जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे थे, हमें आंदोलनजीवी बता रहे थे, तो इस आंदोलन को की बहाली हुई है। देश में अब फिर से आदमी बेखौफ होके आंदोलन कर सकता है। जो हमारे संविधान ने हमें ताकत दी है, स्पीच, राइट टू स्पीच, राइट टू स्पोक, तो उस स्पीच की, जो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की, हमें बहाली मिली है। हमें अपनी बात को सही तरीके से रखने की आज़ादी मिली है। तो कई मायनों में ये आंदोलन सफल हुआ है, लेकिन असली सफलता अभी बाकी है। वो कैसे मिलेगी? जब तक एमएसपी पे लिखित कानून नहीं बनता, जब तक किसान आपको यकीन है कि कानून बन जाए? भाई देखो साहब, यकीन पे दुनिया कायम है और संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरा यकीन दिलाया है। संयुक्त किसान मोर्चा कई मायनों में किसानों का भरोसा जीतने में सफल हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा एक ऐसी गैर राजनीतिक ताकत बन के निकला है जिसने पूरे देश के किसानों को एक माला में पिरोया है। और 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और उसमें समीक्षा की जाएगी। अगर सरकार की कथनी और करनी में कहीं भी फर्क रहता है तो ये आंदोलन फिर से खड़ा हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, कि तो आप क्यों नहीं समझ पाए उनकी बातों को? हमें नहीं समझना था, हम तो समझे हुए हैं। हम ही हैं जो उन्हें सत्ता में लेके आए, और वो हमारी बहुत बड़ी भूल थी कि हम ऐसे झूठे और फरेबी आदमी को सत्ता में लेके आए जो गरीबों के टैक्स से अमीरों का पेट पाल रहा है। ये इस देश का कह लो या इस दुनिया का कह लो पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, पहला ऐसा प्रधान सेवक है जिसने व्यापारियों के 20 से लेके 22% तक टैक्स माफ़ किए हैं, जिससे सरकार के ऊपर प्रतिवर्ष 12 लाख करोड़ तक का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। और इस बोझ की भरपाई करने के लिए आम आदमी के ऊपर, मजदूर के ऊपर, किसान के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गईं, घरेलू गैस की कीमतें बढ़ाई गईं, और जो रोज़मर्रा का सामान है इसमें टैक्सेस बढ़ाए गए। सर, आपने कहा कि भरोसा जी, मोर्चे को अब कैसे सरकार पे भरोसा हो गया अचानक से? नहीं, मोर्चे को सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार हमारी बाकी सारी मांगे मान गई, हमारे केस वापस ले लिए सरकार ने। नहीं, उसने कहा है लिए जाएंगे, अभी लिए नहीं। हाँ, ले लिए जाएंगे, और नहीं लिए जाएंगे तो हम कोई बहुत दूर थोड़े ही पहुँच गए हैं। अब हमें एक ताकत मिल गई है, और उस ताकत के जरिए हम दोबारा वापस आ सकते हैं। हमें तो एक रास्ता मिल गया है कि हम कैसे बॉर्डरों पे आ सकते हैं, कैसे आंदोलन कर सकते हैं। नहीं तो पिछले 7 साल में आप मुझे बताइए कोई भी एक ऐसा आंदोलन बता दीजिए जो सुखद अंत तक पहुंचा हो। इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में थी, प्रजातंत्र खतरे में था, आंदोलन खतरे में थे। ये किसानों की एकता थी, किसानों की अखंडता थी, और किसानों का आपसी जो विश्वास था, इस आपसी विश्वास ने सत्ता को हिलाया है, सरकार को हिलाया है। तो अब हमारे लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। हमें बस एक बार ये देखना है, लोग कह रहे थे ना किसान अपनी हठधर्मिता छोड़ दें, किसानों को ज़्यादा अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, तो हमने थोड़ी नरमी दिखाई है, दरिया दिली दिखाई है किसानों ने, और एक बार सरकार पे यकीन किया है। और देखते हैं, अगर सरकार की कथनी करनी में फ़र्क रहता है तो 15 जनवरी के बाद हम फिर से मोर्चे पर आ जाएंगे, फिर से हम बॉर्डरों पर इकट्ठे हो जाएंगे। क्या फिर से ऐसा भूल तो आप नहीं करेंगे? साहब, ऐसा है, भूल हमसे एक बार नहीं हुई, भूल हुई 3 बार। 2014 में भूल हुई कि साहब हमें रोजगार मिलेंगे, महंगाई कम होगी हमारे, और सुरक्षा बढ़ेगी, देश में विकास की लहर बहेगी। फिर ये 5 साल कांग्रेस की कमियां निकालते रहे कि गांधी, नेहरू और पता नहीं क्या क्या, 60 साल की गंदगी। हमने इन्हें 17 में मौका दिया, 17 से मैं जब से ये यूपी में सत्ता में आए तो इन्होंने गुंडा राज शुरू कर दिया, इन्होंने ठोंक दे नीति शुरू की। 2019 में हमने इन्हें सेंटर में तीसरी बार मौका
मौका दिया, तो काठ की आंडी तो एक ही बार चढ़ती है, हमने तो 3 बार चढ़ा दी, और अब भूल से भी कान पकड़ लिए, सभी किसानों ने कान पकड़ के उठक बैठक लगा ली। ये लोग सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के दलाल हैं, ये पूंजीवादी व्यवस्था में यकीन रखते, लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते। सर एक सवाल में रोक रहा हूं, वोट नहीं देंगे। सर टिकैत साहब से हम जब से बात कर रहे हैं, जब से ऐलान हुआ कि अब किसान घर जा रहे हैं, उनके चेहरे पर जो पहली रौनक की वो नजर नहीं आ रही, हमें नहीं लगता इस फैसले से खुश हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखो ऐसा है, 40 किसान संगठनों का ये मोर्चा बना है, तो 40 में सभी संगठन एक मत नहीं हो सकते। टिकैत साहब और 2-4 संगठन ऐसे थे जो ये चाह रहे थे कि MSP पे लिखित कानून बन जाए, उसके बाद ही वापसी हो। दबाव बना टिकैत साहब? दबाव नहीं, देखिए आपसी सामंजस्य होता है। जब मेजोरिटी ये चाह रही थी कि चलो अब एक बार हम थोड़ा सा सरकार का रुख देख लेते हैं, सरकार का आगे का रवैया क्या है, सरकार को हम आजमा रहे हैं, अब हमने जो गेंद है सरकार के पाले में छोड़ दी है। लोग सर आंदोलन में इस बात का डर जता रहे थे, अगर कानून किसी कारण वापस हो गया, MSP पे कानून नहीं बना, तो हरियाणा पंजाब का किसान चला जाएगा, यूपी और उत्तराखंड वाले को क्या मिलेगा फिर, वो तो फंस जाएगा। नहीं अभी कोई किसान नहीं फंसा है, देखिए मोर्चे के रूप में हमें एक ताकत मिली है। आप सब नहीं चाहते ना, आप मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह बात मत करो, आप किसानों में फूट डालने की कोशिश नहीं करो साहब। ये जो निर्णय हुआ है ये आम राय से निर्णय हुआ है, सभी किसानों की पूरी सहमति रही इसमें, सभी किसान संगठनों की सहमति रही, उसके बाद ये आंदोलन हटाया गया। अगर मान लीजिए आंदोलन समाप्त किया जाता या आंदोलन स्थगित किया जाता तो 19 तारीख को ही हो जाता। आप लोग पहले झूठ बोल रहे। नहीं नहीं भाई देखो, सरकार ने एश्योरेंस दिया है, सरकार ने पूरी तरीके से लिखित में दिया है कि MSP पे कानून बनेगा। सरकार का राजपत्र आया है कि नहीं आया है? भेजा है ना, तो हमें उस पर भी तो एक बार भरोसा करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा सरकार के ऊपर एक बार भरोसा तो पहले तैयार नहीं थी, पहले सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं थी, पहले ये कह रही थी कि तीनों कानून छोड़ दो, MSP छोड़ दो, उसके अलावा चर्चा कर लो, नहीं तैयार थे लोग कमेटी में आ जाइए। नहीं नहीं पहले सरकार तैयार नहीं थी, ये कहीं ना कहीं इसमें यूपी चुनाव का भी डर है और 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं, आप चीजों को समझिए, चुनाव का डर है इनके। RSS के जो अपने सर्वे हैं वो सर्वे ये बता रहे हैं कि 5 राज्यों से भाजपा जा रही है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में इनकी 70-80 सीटें आ रही, तो इस डर की वजह से इन्हें बैकफुट पे आना पड़ा, नहीं तो ये तानाशाही लोग हैं, ये हठ ही लोग हैं, ये वापस नहीं होते। हम तो 2024 तक के लिए तैयार थे, कोई भी किसान इसमें से आप पूछ लीजिए, जितने भी किसान यहाँ बैठे हैं तो किसी से भी पूछ लीजिए, सब किसान 2024 तक तो के लिए आपका भला कर देना सरकार ने, तो सरकार ने, सरकार ने अपना भला नहीं किया, सरकार ने हमारा भला नहीं किया, सरकार ने अपना भलाने का कोशिश किया, हम जीते नहीं, हमने पहले ही आपसे कह दिया कि साहब जीत हमारी तब होगी जब MSP पे लिखित कानून बनेगा और देश का हर एक किसान खुशहाल हो जाएगा, तब हमारी असली जीत होगी। फूल बरसा दे सरकार फिर जीत मानोगे? फूल ना बरसाए सरकार हमें जो हमारा हक है वो दे दे, हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए, जो हमारा मौले का हक है हमें वो हमारा हक दे दो, फूल तो हम बरसा देंगे। वो वादे कहाँ गए? एक लाइन ऐड कर दीजिए, एक साल से हमारे कान भी बहरे हो गए। एक महीने का और इंतजार कर लो, 15 जनवरी तक अगर MSP पे कानून नहीं बनता तो आप भी खुश हो जाओगे, फिर से आंदोलन शुरू होगा। मैदान छोड़ के भाग गए अब क्या? नहीं नहीं मैदान छोड़ के नहीं भागे, अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं, अपने अपने जिलों में जा रहे हैं और वहाँ जो पंचायतें हैं शुरू हो गई। आज भी आपने देखा है कई किसान नेता अलग अलग राज्यों में जाके किसान पंचायतें कर रहे हैं और पूरे महीने ये पंचायतें होंगी। पंचायतों से क्या होगा? एक साल से कर पंचायतों से भाई साहब जन जन तक संदेश जाएगा कि क्या चीजें हम ले चुके हैं और क्या चीजें अभी रह गई हैं और किन मुद्दों पे अभी आगे लड़ाई लड़नी है। अभी MSP रह रही है, अभी निजीकरण रह रहा है, अभी निजीकरण पे भी आंदोलन होगा, निजीकरण पे भी बड़ा आंदोलन होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। किया है ना निजीकरण, निजीकरण पे भी आंदोलन होगा, बेरोजगारी पे भी आंदोलन होगा, भ्रष्टाचार पे भी आंदोलन होगा। अब 2024 तक आंदोलन ही चलेंगे, ये आंदोलन का BJP को हमने पहले ही बता दिया आपको, भाई साहब गलती हमसे 3 बार हो गई, अब 4थी बार गलती करवाओगे? मियां साहब टाइट नहीं है? अब BJP को गलती नहीं, BJP को तो गलती से भी वोट नहीं देना। देखिए हमारा देश सदियों से गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला देश रहा है, ये कुछ कच्छाधारी आए, इन्होंने देश में जाति और धर्म के नाम पे फूट डालने की कोशिश करी, लेकिन
ट्रेंड चल रहा है कि खुले में कोई नवाज नहीं पड़ेगा, खट्टर साहब खुल के वो भी देखो ऐसा है देश में चलने चुनाव आ रहा है। चुनाव आते ही इनका हिंदू मुस्लिम का जिन्न शुरू हो जाता है। इनके पास हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और राम मंदिर कश्मीर इसके अलावा कोई अलग मुद्दा है? आप तो खुश होते हैं ना? नहीं भाई, कहाँ खुश हो रहे, पहले भी खुश नहीं थे, हमने पहले भी इसका विरोध किया और अब भी विरोध कर रहे हैं। हमारे देश में अब कोई जाति धर्म नहीं। किसी पार्टी से देखो कौन हाँ पार्टी से है ना, किसान पार्टी से है, किसान पार्टी से है भाई। देश के हम नागरिक हैं, हम वोट डालते हैं। किसी ने पूछा था कि प्रोफेसर हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छा लाइफस्टाइल है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई देश के नागरिक पहले हैं, किसान के बेटे पहले हैं, प्रोफेसर तो बाद में है। टीचिंग जॉब में तो मैं 25-26 साल का जब हो गया तब आया। जन्म से मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और मैं भी किसानी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भी पैदा होते ही प्रोफेसर लग गया। तो इस तो किसानों से ज्यादा है आप लोगों पे, हमारे पास ज्यादा जमीन, बड़ी गाड़ियां, सात आठ बीघे। छोटा किसान हूँ भाई मैं, 7-8 बीघे खेत। अडानी से बड़ा कोई किसान है इस देश में? अडानी किसान नहीं है, अडानी किसानों का हक मारने वाला आदमी है। अडानी इस समय जमीन की बात करी जाए तो अडानी से ज्यादा जमीन किस पे है? वो तो एशिया का सबसे बड़ा रईस है। बड़ा किसान हुआ ना वो भी? वो तो बड़ा किसान नहीं, वो बड़ा व्यापारी है, वो किसानों का हक मारने वाला है। अडानी और अंबानी की तिजोरियों में हमने खेत जाने से बचा लिया है अपने देश को, और अपने देश को पूंजीवाद से बचा लिया है। आखिरी सवाल सर, जाल में तो फंस गए आप लोग? जाल में हम नहीं फंसे, सरकार हमारे जाल में फंस गई है। किसान भले अब आप देखते जाइए, 2022 का चुनाव आने दीजिए इनको, हम जैसे सत्ता से बेदखल करेंगे ना, जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है उस तरीके से इनको हम सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। चुनाव के बाद ही होगा, जो भी होगा जनवरी चुनाव के बाद आप देख लीजिएगा, ये लोग दिखाई नहीं देंगे। चलिए।